कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के बीच सरहदों पर अलर्ट है। और सबसे पहले बात जम्मू की करते हैं, जहां पर ड्रोन की नकलो हरकत तेज हो रही है, सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही हैं। एक बार फिर सरहद के आसपास बताया जाता है कि सस्पेक्टेड ड्रोन देखे गए कुछ लोगों की तरफ से, और उसके बाद इतला दी गई मकामी पुलिस को सांबा के अंदर गगवाल, विजयपुर और रामगढ़ के इलाके जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज पहले से अलर्ट थी, चौकन्ना थी, लेकिन ड्रोन था या नहीं इस पर मजीद डिटेल्स लेने के लिए हमारे साथ अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं सीधा, ऋषि खजूरिया सांबा से। ऋषि, क्या कुछ तफसीलात हैं, पुलिस का कोई वर्जन सामने आया और लोग क्या कुछ बता रहे हैं? लगातार जो लोकल द्वारा जानकारी मिली कल अलग अलग इलाकों में, अगर बात करें सांबा जिला के विजयपुर, रामगढ़, गगवाल, इलाके यहाँ पर ड्रोन एक्टिविटी से देखी गई, यानी ब्लिंकिंग लाइट जो वो अलग अलग इलाकों में स्पॉट की गई है और कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आप इसे कह सकते हैं। लेकिन हमने तमाम इसकी जानकारी जो वो लेना चाहिए SSP सांबा राजेश शर्मा जी से, हमने उनसे विस्तार में बात की तरह से अलग अलग इलाकों में ये दोबारा से इस तरह की एक्टिविटी जो वो देखी जा रही है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी हम इसे ड्रोन नहीं कह सकते और इसकी हम अभी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हाँ लोकल के आधार पर ये जो जानकारी मिली है इसके ऊपर हम जांच करेंगे, जांच कर रहे हैं और लगातार ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किन किन और इलाकों में जो ब्लिंकिंग लाइट जो वो स्पॉट की गई है। और उसी के साथ साथ हमने कई सुरक्षा एजेंसियों से भी बात की है तो उन्होंने भी इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन बहरहाल कई लोग कॉन्फिडेंट है कि हमने अपने अपने इलाकों में ये ब्लिंकिंग लाइट जो वो काफी देर तक स्पॉट होती हुई देखी है। और उसी के बाद तमाम अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने चलाया है, सुबह भी आज चलाया और देर रात की अगर बात करें तो देर रात को भी चलाया गया है। जिस तरह से खासतौर पर मैं बात करूंगा बेई नाला, जो कि पुराना इन्फिल्ट्रेशन रोड माना जाता है, तो इस तरह से कई अलग अलग इलाकों में सर्चिस भी की जा रही, लेकिन अभी फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगाया है। लेकिन आप इस चीज से इंकार नहीं कर सकते कि ये ड्रोन एक्टिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा कि 15 अगस्त के पहले ही ऋषि बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, जो खबरें आ रही है यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमें, वो ये है कि गगवाल, विजयपुर और रामगढ़ का इलाका है जी जहाँ पर ये ड्रोन स्पॉट किए गए, और एस्टेब्लिशमेंट के लोग इसको कहीं ना कहीं बड़ा सीरियस ले रहे हैं। उसके साथ साथ जो और दो जगह हैं कानाचक और एक और जगह पर, उस पर स्टेट डिपार्टमेंट का मानना कि देखिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन वो तीन वाले स्पॉट जो हैं वहाँ पर एक्टिव मॉनिटरिंग हो रही है और कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इसी तरह की जो यहाँ पर संदिग्ध एक्टिविटी देखी गई है ड्रोन की, गगवाल का जिक्र कर रहे हैं, सांबा का, विजयपुर का, रामगढ़ का और नड इलाके का, जिसको लेकर SSP सांबा के ने भी ये कहा कि नड इलाके में जो एक्टिविटीज देखी गई है और लगातार उन इलाकों के जो लोग हैं जिन्होंने ये स्पॉट होती हुई एक्टिविटीज देखी है उनसे संपर्क भी किया है, वो लगातार कॉन्फिडेंट है कि हमने ये एक्टिविटी देखी है और एक बार नहीं लगभग 4 से 5 बार ये ब्लिंक होता हुआ दिखा, कभी वो नीचे आ रहा था ऑब्जेक्ट, कभी ऊपर जा रहा था। तो यहाँ से भी अंदेशा लगा सकते हैं कि शायद ड्रोन ड्रॉपिंग का कोई प्रयास दोबारा से पाकिस्तान करना चाहता है। इंपॉर्टेंट बात है जो एंटी ड्रोन सिस्टम की बात हो रही थी, जो वीडियोज पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जारी किए गए थे और कहा गया था कि इन हसास एरियाज में, सुपर सेंसिटिव एरियाज के अंदर जो है एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया और अब इस तरीके की चीजें जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, तो क्या मैं ये मानूं इन जिन इलाकों का नाम सामने आया है शायद वहां पर अभी ये चीजें नहीं लगाई गई हैं? देखिए बिल्कुल, इस चीज को लेकर SSP सांबा राजेश शर्मा जी ने पहले बता दिया था कि अभी एंटी ड्रोन सिस्टम जिला सांबा में कहीं भी इंस्टॉल नहीं किया गया है और इसे जल्द इंस्टॉल किया जाएगा, इस तरह की जो जानकारी है वो इनको भी मिली है। और हायर लेवल की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द ही ये एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा जिससे जल्द से जल्द जो पकड़ में आ सके जो लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। और बड़ी बात यह कि इस समय लोगों के अंदर काफी एक दहशत का माहौल बन गया कि कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा, लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं की जा रही, हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह से अलग अलग इलाकों में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाती है, कोई सुराग हाथ नहीं लगता है, लेकिन इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आपने जिस तरह से कुछ दिन पहले देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में ही ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए हथियारों की खेप जो वो बरामद होती है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि पाकिस्तान की मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो ड्रोन के माध्यम से मैपिंग करने का प्रयास कर रहा है या फिर ड्रोन ड्रॉपिंग का प्रयास कर रहा है। और पुराने इंफिल्ट्रेशन रूट की अगर मैं बात करूं, जो बेई नाले का जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ पर आज दोबारा से सर्च की गई है सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा, तो कहीं ना कहीं सुराग निकालने का प्रयास किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान की बुखलाहट भी नजर आ रही है कि वो। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया बता रहे थे कि पुलिस ऑन टोज है, एंटी ड्रोन नस्ब अभी सांबा के अंदर नहीं किया गया है। बहरहाल खबर ये कि कई मकामात पर इस तरीके के ऑब्जेक्ट जो है वो देखेंगे।